बिहार पंचायत चुनाव 2021 बिहार में शुरू हो चुकी है प्रथम चरण का चुनाव। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वैसे लोग जो कि अपने पंचायत का वोटर लिस्ट निकालना चाहते हैं अपने वार्ड संख्या वाइज और फाइनल वोटर लिस्ट, इससे पहले जो वोटर लिस्ट अपलोड था वेबसाइट पर वो पुराना वोटर लिस्ट था, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थे जो कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा था, उनका नाम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फाइनल और वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप किस प्रकार से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि sec.bihar.gov.in वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब आप थोड़ा पेज को स्क्रॉल करेंगे तो इम्पोर्टेंट लिंक्स में यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिंक्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे, आप यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद बूथ सर्च, इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉल फाइनल रोल, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अगला पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ ओपन होने के बाद जिला का नाम सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी जिले का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं आप सबसे पहले उस जिले को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आता है प्रखंड का नाम, तो आप किस प्रखंड से बिलोंग्स करते हैं आप उस प्रखंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब कहता है पंचायत का नाम, तो आप जिस भी पंचायत का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं अब आप उस पंचायत का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है वार्ड संख्या, वार्ड संख्या पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 जो भी वार्ड होंगे आपके पंचायत में वो सारे वार्ड यहाँ पर आ जाएंगे, तो वार्ड संख्या को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मदर रोल यानी कि फाइनल जो इलेक्ट्रोल रोल होता है यानी कि जो आपका फाइनल वोटर लिस्ट है वो मदर रोल कहलाता है, उस पर सप्लायर 1 और सप्लायर रोल 2। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने नया अपना नाम जुड़वाया होगा वोटर लिस्ट में, तो उनके नाम इस वोटर लिस्ट में रहते हैं, और बहुत सारे लोगों का नाम स्थानांतरण किया गया होगा किसी और मतलब वार्ड में चला गया गलती से और फिर उसको सही वार्ड में भेजा गया। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई कैंडिडेट है और अपने वार्ड के सारी वोटर लिस्ट का जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये तीनों वोटर लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मदर रोल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने में आप सक्सेस होगा तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंतिम प्रकाशन की तिथि 19/2/2021, ये फुली अपडेट है, ये एक वोटर लिस्ट हो गई आपकी। इसे डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर अगर आप फिर से आएंगे तो यहाँ पर सप्लायर रोल को भी सिलेक्ट करें और फिर से डाउनलोड पर क्लिक कर लें, फिर सप्लायर रोल 2 को सिलेक्ट करें और फिर डाउनलोड कर लें। ये इन तीनों वोटर लिस्ट को मिलाकर आपका पूरा वोटर लिस्ट होता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना नया वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों को यह समझ नहीं आ रही है कि वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं मिल रहा है और आपको यह पता नहीं चल रहा है नाम मिलने के बाद कि आप किस वार्ड में आते हैं, तो इसको इसका पता आप किस प्रकार से लगा पाएंगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।